गाइस ये रहा कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है यार। ये गाइस व्यू देख लो यार ऊपर से, मींस पूरे में यहाँ पर अपना कब्र बनी हुई है। गाइस ये है ऊपर से कुछ नजारा, पर 150 से भी ज्यादा कब्र है। ये है ईसा खान का मकबरा, इतनी फैलाए जो झेली जाए। एंड ये सेकंड गेट है यहाँ का। हे गाइस दिस इज आकिब बिल्लाल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस गाइस हम लोग पहाड़ों में तो बहुत घूम लिए, एंड आज मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराने के लिए लाया हूँ हुमायूं टॉम्ब, जो दिल्ली के अंदर है। अभी अंदर चलेंगे एंड हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एंड आप लोगों को यहाँ पर कैसे आना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए व्लॉग में लास्ट तक बने रहना गाइस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करना यार। देखो धूप में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, सो आप लोगों को इतना काम तो करना ही पड़ेगा यार। तो चलो अंदर चलते हैं एंड देखते हैं। अंदर एंटर करते ही राइट साइड में है ईसा खान टॉम्ब। गाइस ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है ईसा खान का मकबरा। चलिए पहले इसको ही देखते हैं जाकर। ईसा खान के टॉम्ब में जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, एंड ये काफी सारी कब्र बनी हुई है यहाँ पर। गाइस अभी मैं अंदर गया था एंड मैंने काफी 5-6 कब्र देखी अंदर बनी हुई। अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ का, एज यू कैन सी ये बहुत पुराना बना हुआ है। गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट साइड, विल सी देयर। गाइस आप लोगों को ईसा खान का मकबरा तो मैंने दिखा दिया है, एंड अब चलते हैं दूसरे गेट की साइड। यहाँ पर 2-3 गेट है, दूसरे गेट की साइड चलते हैं। एंड ये सेकंड गेट है यहाँ का। गाइस यार यहाँ पे तो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा, समझ लो यहाँ पर फॉरेनर ही हैं, आधे है देसी अपने लोग। ये पूरा काफी बड़ा एरिया बना हुआ है, जैसे ताजमहल बना हुआ है ऐसे ही ये काफी एरिया में फैला हुआ है। ये हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्र है। हुमायूं की भी कब्र है एंड उनकी बेगम की भी कब्र है यहाँ पर, एंड और बहुत सारे लोग जो उस टाइम पर हुआ करते थे उनके साथ सबकी कब्र है यहाँ पर। गाइस आप लोगों को साइड में आकर मैं एक बात बता दूं यार, मेरे सामने बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब है और ये तो बहुत ही तगड़ा है यार, तो बहुत हार्ड है यार। ताजमहल बनाया गया था वो इसको देखकर ही बनाया गया था, इससे इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। पहले ये बना था देन ताजमहल बना था। तो आप लोगों को बैक कैमरे से मैं गाइज ये हुमायूं टॉम्ब। अरे यार गाइज देखो तो सही यार, क्या चीज है यार, ये एक नंबर यार। गाइज ये रहा कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है यार ये। सो गाइज इसके अंदर चलते हैं एंड देखते हैं। गाइज ये जो आप लोग देख रहे हो पूरा एरिया, इसमें ना ऐसा है ये कबर है, ये रेड रेड आगे पिलर, ये कबर है फिर रेड पिलर फिर ये कबर है। मीन्स पूरे में यहाँ पर ना कबर बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। गाइज ये है ऊपर से कुछ नजारा, देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ये नीचे गार्डन है, ये 5 कब्र एक साथ बनी हुई है। ये सामने है हुमायूं की कब्र, एंड छत का स्ट्रक्चर देख लो बढ़िया बना हुआ है। एंड राइट साइड में आप लोगों को एक डोर देखने के लिए मिलेगा जैसे ही आप लोग उससे एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप लोगों को हुमायूं की वाइफ की कब्र देखने के लिए मिलेगी। ये रही देखो गाइस, इसके अंदर बहुत सारी कब्र है, एंड पूरा एरिया देख लो पूरा ताजमहल के जैसा ये लगता है। पूरे रेड रेड स्टोन से बन रखा है ये गाइस, पूरा एक नंबर का बन रखा है यार ये। बट यहाँ पर पीसफुल एरिया है, ये बिल्कुल पीसफुल एरिया है, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है। सो मैं भी आप लोगों को दिख रहा होगा मैं भी पीसफुल ब्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर शोर शराबा करना ठीक नहीं है, बिकॉज सारे लोग साइलेंट है, बस आपस में ही बात कर रहे हैं। लोकेशन काफी अच्छी है ये गाइस, व्यू देख लो यार ऊपर से, पूरा ताजमहल वाला सीन है। जैसे ताजमहल में चारों गेट एक से दिखते हैं ना चारों साइड से, ऐसे ही यहाँ पर है, चारों साइड से चारों गेट सेम है। एंड पूरी लोकेशन देख लो फुल ताजमहल वाली हो रखी है, जैसे ताजमहल पे फर्स्ट फ्लोर पर होता। एंड ये देखो एक गेट उधर है, और भी कुछ बना हुआ है वहाँ पर, बट वहाँ पर नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ बना हुआ है कुछ। सो गाइस फाइनली पूरा एरिया कवर कर ही लिया है हमने, सो मैं अब आप लोगों को गार्डन में चलकर बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कैसा आना है। तो चलिए गार्डन में चलते हैं, पहले थोड़ी छांव में बिकॉज धूप हो रही है ना ज्यादा यहाँ पर। सो गाइस मैं अभी घूम रहा था हुमायूं टॉम्ब में, और ये चारों भाई मिले हैं अपने। हेलो, कहो कुछ मेरे लिए यार। अरे भाई बहुत बढ़िया है भाई, इनका यूट्यूब चैनल है आकिब बिलाल के नाम से, आकिब बिलाल के नाम से। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट्स करें। हाँ, ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो इसी को लाइक करना है और इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इसको, सपोर्ट करें भाई के लिए, इतनी फैलाएं जो झेली जाए। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, रायता ना फैलाएं, ज्यादा नहीं फैलाएं।
सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को कैसे आना है ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है दिल्ली, देन आप लोगों को कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से लेना है निजामुद्दीन का टिकट जो मिलेगा आप लोगों को 40 रुपीज का, एंड आप लोगों को निजामुद्दीन उतरने के बाद आप लोग को 20 रुपीज देने हैं मिनी मेट्रो वालों को, एंड आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे इजिली। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एंड 40 रुपीज का यहाँ पर टिकट लेकर आप लोग अंदर एंट्री कर लेंगे एंड पूरे में आप लोग घूमेंगे इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मीन्स पीसफुल एरिया है एंड अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई सजेस्ट यू कि आप लोग आ जाओ एक बार, आप लोगों को मज़ा आएगा। जो ताजमहल नहीं देखा जिसने वो एटलीस्ट यहाँ पर तो आ ही जाओ। एंड गाइज बहुत मेहनत लग रही है यार, धूप में व्लॉग बन रहे हैं, सो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बस एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। तो चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग में, यो।